नमस्कार, मैं राजन राही, सच की रफ्तार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिकायत करता सोराज, सोरा लोहिया जो घिटोरनी के मूल निवासी है, गीता मल्होत्रा जो ओनर है एमजी रोड पिलर नंबर 113 वार्ड नंबर 82, उनका ऐसा कहना है कि यह अवैध निर्माण है। एमसीडी ने आज से कुछ दिन पहले वहां कार्यवाही की। जब हमने आवाज उठाई तो एमसीडी ने वहां कार्यवाही की, तोड़ा ताड़ी भी की, लेकिन सोरा लोहिया जी का कहना है वो तोड़ा ताड़ी सिर्फ एक दिखावे के तौर पे की गई। आज वो एमसीडी जोन के बाहर मीडिया के माध्यम से, सच की रफ्तार के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? क्या एमसीडी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही, या सोरा जी कुछ करप्ट है या धोखेबाज है? पूरी वीडियो अंत तक देखें और बताएं क्या एमसीडी सही है या सोरा लोहिया जो शिकायत करता वो सही है। आइए बताते हैं क्या कह रहे हैं सोराज लोहिया जी सच की रफ्तार के माध्यम से। आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपका अपना राजन राही कैमरामैन मोटा। नमस्कार, मैं राजन राही, सच की रफ्तार। 11 मई पांचवा महीना 2023, समय है 11 बजे के आसपास। हम हैं इस वक्त एमसीडी जोन, साउथ जोन। वो शिकायत करता सोराज से आज एमसीडी पर हमला बोलने आए हैं। क्या उद्देश्य से ये कहना, अपनी बात रखना चाहते हैं और क्या उद्देश्य, किसी जानकारी को आपके सामने लेके आप हमारे साथ बने। सर, गांव घिटोरनी में आप रहते हो और यहां एमसीडी जोन में आने का क्या कारण है? मेरे गांव में रोड पे अवैध निर्माण चल रहे हैं, मैं उनके खिलाफ यहां पर आया। मैंने उनकी कंप्लेंट पीएमओ हाउस तक की है, एलजी हाउस तक की है, सिविक सेंटर कमिश्नर साहब को की है, साउथ जोन डीसी साहब को की है। फिर भी अवैध निर्माण के इसमें कार्रवाई की, वो कार्रवाई ना के बराबर की, मैं उस पर संतुष्ट नहीं हूँ। कार्रवाई होनी चाहिए जैसी तुगलकाबाद के अंदर हुई, जैसी मेहरौली के अंदर हुई, वो कार्रवाई होगी तो मेरे को संतुष्टि है, वरना मेरे को कोई संतुष्टि नहीं होता है। मेरे को शिकायत करते करते काफ़ी टाइम हो गया। ये जब भी इन्होंने तोड़ फोड़ करिए थोड़ी बहुत, जब भी इन्होंने एक महीने का टाइम देके तो इनको बिल्डिंग पूरी करवा दी। ये प्रशासन के मिली भगत से चल रहा है, ये वो बिल्डर बाहुबली है क्या है वो? इनके तो उसको तो एम सी डी वाले हमको बताएंगे क्या कारण है इसका। सर, आप लोगों ने जब शिकायत की थी तो कितना समय हो चुका? शिकायत हमने 26 दिसंबर से शुरू की है, ठीक है जी। ये गौरव जी आए थे, इसके ट्रांसफर होकर नए आए थे इधर। गौरव जी ने पहली तोड़ फोड़ की इधर ना के बराबर, फिर गौरव जी ने महीने भर का 20 दिन का टाइम देके प्रशासन की सेटिंग से वो लेंटर पे लेंटर डाले जा रहे हैं। अब आपका क्या उद्देश्य है, क्या है अब आप क्या करना चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि ये तुगलकाबाद की तरह, मेहरौली की तरह इस पे तोड़ फोड़ होनी चाहिए जब हमको संतुष्टि होगी, वरना हमको संतुष्टि नहीं है। हम तो हमको पता है ये तो प्रशासन की मिली भगत से ये निर्माण हो रहा है। रिजल्ट तो मेरा कुछ नहीं आया, उन्होंने 4 लेटर पूरे करा दिए, रिजल्ट क्या आ गया? उससे ज्यादा काम स्पीड से करा दिया उन्होंने, ये प्रशासन की मिली भगत से काम हो रहा है। और दो बार की है वो ना के बराबर, फॉर्मेलिटी पूरी की है, उससे संतुष्टि नहीं है ना। तो बोलती अगर वो बाहुबली है, बिल्डर है, मालिक है, कोई भी है, उसके बारे में बताओ कि हम तुम्हें उनसे डरते हैं या फिर प्रशासन की मिली भगत से चल रहा काम? फैजल खान के बराबर, दोनों के बराबर कंप्लेंट चल रही है, उसको तक छुआ तक भी नहीं। अगर एमसीडी नहीं सुनती तो इसको लेकर का अगला कदम क्या होगा? मैं अगला कदम जहाँ तक कोर्ट भी जाऊँगा, मैं हर जगह जाऊँ, गृह मंत्रालय जाऊँगा, सब जगह जाऊँगा, रक्षा मंत्रालय जाऊँगा, आयनगर की छायर को तो जगह चेक किया जाए, उसके बारे में डिटेल पता लगे, जब पता लगे आयनगर की आज आज का ही पता लगेगा। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आने से तो और ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल पड़ी है, जब से एमसीडी के खिलाफ हुई है जब से ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल रही है। अभी जी जानवर निर्माण कर रहा, वहाँ जाकर देखो खत्ता घर भी बड़ा पड़ा है वहाँ पे, ये देखो जैसे ट्रक यहाँ पर फंसाता पब्लिक, या तो बंदे मरते मरते बचे है, ये एमसीडी की लापरवाही है, कुछ हमारा निगम पार्षद की बहुत लापरवाही। सर, G20 को लेकर सौदे करो हो रहा पूरी दिल्ली का, और आप आरोप लगा रहे की दिल्ली में बेईमानी की जा रही है। सौदेकरण तो आप हो रहा है, वो सौदेकरण है, अवैध निर्माण का एमसीडी का मिली भगत से हो रहा है, सौदेकरण है। तो आप डीसी मैडम के संज्ञान में डाला? आपको सबको पता है, मेरे डीसी मैम के पास बहुत लेटर आ चुके हैं, कारण लेटर कट्टे हो गए, यहीं पे आप पहुंच गए।
चलिए हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में, आपका हिस्सा बनाइए। देखो ना, तो बंदे मरते मरते बच्चे, मैंने 100 नंबर कॉल की थी रात को 12:00 17 18 मिनट पे, पुलिस भी आई थी यहाँ पे, और यहाँ नाले तोड़ के घुस गए, दो बंदों के परीट भी गिर गए, हल्की चोट लेकर निकल गए, कह रहे भाई साहब पुरान बच गए, वो ट्रक दो दिन डेढ़ दिन तक वाई पड़ रहा है। मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ एमसीडी वाले पत्रों से, इसको निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए, पूरा तोड़ा जाए, वरना इसको छीन फोटो जिगर, फोटो जिगर और फैजल खान की आयनगर मेट्रो के साथ। ये ओनर का क्या नाम है? ये गीता मल्होत्रा, ठीक है जी, और वहाँ पे वो फैजल खान है जो आयनगर है मेट्रो स्टेशन के पास। एड्रेस क्या है? एड्रेस क्या है इस मकान का? एड्रेस क्या है जो आपने बताया? गीता मल्होत्रा, गीता मल्होत्रा जी केवल में रहती है जी। नहीं, इस साइड का एड्रेस क्या है? मेट्रो पिलर नंबर 113 एमजी रोड जिटोनी मेट्रो स्टेशन के आगे, ठीक है जी। ये देखो जी, ये फैजल खान की साइड है, ये देखो कितनी मेट्रो से कम से कम 17 फुट ऊपर जा रही है। फोटो ले लो, ये यहाँ पे हमारी ना पूरी मीडिया का जमावड़ा, सच की रफ्तार, आपकी आवाज, दिल्ली का प्रतिबिंब, राजधानी टुडे, प्राइम न्यूज और भी न्यूज आज यहाँ जुड़ गई है, और देखते हैं सोलह जी जो क्रांतिकारी है आज क्या क्रांति लाना चाहते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले एमसीडी के एक्शन साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने सीलिंग के या तोड़ फोड़ के पूरी डिस्मिस करने का ऑर्डर कर दिए हैं, मैं उनको बड़ा धन्यवाद करूँगा, ठीक है जी। ये अवध निर्माणों को रोका जाए, नहीं तो अवध निर्माण आगे जाके जनता के लिए बहुत परेशानी खड़ी करते हैं। अच्छा, ये फोटो किसकी है सर, पहले ये बताइए? ये फोटो यहीं पे एक ट्रक गिरा था, ये चोट लगने से दो बंदे बचे थे, इसी की तमलोत्रक साइड जो ये रोड तोड़ा गया है। हाँ जी, ये तो एमसीडी का रोड है। हाँ, ये नाला देखो, यहाँ पे ट्रक गिरा था, ये एक्शन साहब को भी दिखाया, उसको उन्होंने फोटो खींची थी इसकी, वो कह रहे हैं कार्रवाई दो दिन के अंदर इसकी कार्रवाई कर देते हैं, ठीक है जी। जब ये बिल्डिंग अनलीगल है तो शासन प्रशासन कौन है, किसकी मिली भगत से इसमें काम हो रहा है, ये बताइए। ये यहाँ के डीलरों की मिली भगत है, और ये बिल्डर और डीलर सब बाहुबली से काम कर रहे हैं यहाँ, ठीक है जी। प्रशासन की मिली भगत भी थी, पर एक्शन साहब ने जो एक्शन ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम इसको पूरा डिसमिस कर देंगे। तो एमसीडी के इस कार्यवाही से संतुष्ट है आप? एमसीडी ने जो वादा करे हमसे, हम उससे संतुष्ट है। एमसीडी ने तो कार्यवाही की थी। हाँ जी, उसका क्या हुआ? वो नाके बराबर की थी, अब हम कंप्लेंट भी, हम भी पीछे नहीं छोड़ रहे, हम भी बराबर कंप्लेंट कर रहे हैं, तो उनकी भी कब तक ये जो साइड है, शायद ये गीता मल्होत्रा जी की है, और गीता मल्होत्रा जी ने कांटेक्ट दे दिया किसी श्रीमान जी को, तो वो श्रीमान जी एमसीडी से सारी परमिशन लेकर आए? नहीं नहीं, कोई परमिशन नहीं है इसकी, कोई परमिशन, ये अवर निर्माण परमिशन कहाँ से हो जाएगी? ये तो एक्शन साहब ने भी माना है, डीसी साहब ने कहा है। बाहर ये ताला लगाते हैं, ये अंदर काम करते हैं, जब एमसीडी से परमिशन है तो बाहर ताला क्यों है? एमसीडी से परमिशन नहीं है इसलिए ताला है, चोरी से काम चल रहा है, चोरी से काम चल रहा है। चलिए, तो एमसीडी ने कार्रवाई की तो ये बंद नहीं हुआ? ये डरते नहीं है, बाहुबली मानते हैं आपको, ये बिल्डर भी बाहुबली है, ठेकेदार बाहुबली है, अब पता नहीं। लेकिन अब तो आप खुश है, एमसीडी आप कार्रवाई करने जा रही है, इसको सील के ऑर्डर कर दिए? हाँ जी, एक्शन साहब की कार्रवाई से मैं बहुत खुश हुआ, आज दिल को तसल्ली हुई हमारे। हम तो यही कहते हैं, अगर जो एमसीडी तोड़ फोड़ करे तो तुगलकाबाद जैसी और मैरोली जैसी करे तोड़ फोड़, वरना ये तो फिर तो काम चलते रहेंगे यहाँ पे। अब ये देखो, इधर एक फोटो इधर खींचो, ये कमर्शियल एक्टिविटी अंदर हो रही है, एमसीडी से किसी भी तरीके से कोई परमिशन नहीं है, सबमर्सिबल अनलीगल तरीके से लगा हुआ, सबमर्सिबल की परमिशन है ही नहीं, बेसमेंट बना हुआ है, वो ट्रक जब मर्जी ले आते हैं, इसमें बच्चा गिर जाए, नाले में कोई गिर जाए, तो पूरी लापरवाही इन्होंने कर दी। लेकिन स्वराज जी की जो क्रांति थी, ये उससे खुश है, क्योंकि अब इसको थोड़े दिनों में ही सील करा जाएगा। ये जो ट्रक टूटा है, ट्रक से ये जो रोड टूटा है, वो कब हुआ है? यह 3 दिन पहले हुआ था। 3 दिन हो गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके, सही नहीं हुआ, सरकार के द्वारा इसको सही नहीं करवाया गया? ट्रक तो गया ऐसे तोड़ के चला गया, छोड़। अब इसकी मैंने उसको भी दे रखी है बिजली वालों को, इसमें बिजली वालों ने बोल दिया इसका कोई मीटर नहीं मिलेगा, ना इसकी कभी कागज चेंज होंगे, सबको ऑब्जेक्शन लग गया, ठीक है जी, बिजली वालों को दे दिया, जल बोर्ड वालों को देने जा रहे हैं, इस सख्त सख्त कार्रवाई करिए। हमने 5-6 और आपको एक आगाज और बता दूं कि ऐसे अवैध निर्माण यहाँ बहुत है, और उसके खिलाफ हमने चला दिया मुहिम। थोड़ी सी दूर आर्यनगर है, कौन सा आर्यनगर है, वहाँ पर एक फैजल खान की भी एक अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर हो रही है, वो भी